volunteers आगे आगे बढ़ी, पीछे से आगे जाते जाई, आगे निकली, निकलते जाई, निकल जाइए बाहर को, volunteers आगे बढ़ते जाइए। राहों में कांटी अगर हो, रुकना नहीं जो जाना। आगे बढ़ते जाइए। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। आगे बढ़ते जाइए। राहों में कांटी अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, प्रभु की ओर देखते रहना। ये तुम विश्वास करना। सभी लोग आंखें बंद रखें, खुद को बताएं कि हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। आंखें बड़ी ईमानदारी से आप इस समय बंद रखें, उस ईश्वर की याद करें जो हमें प्रेम करते हैं, और उस ईश्वर की याद करें जिन्होंने हमें इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारी मुक्ति के लिए भेजा। हम उस यीशु मसीह की याद करें जो हमारे प्रति प्रेम के वजह से स्वर्ग छोड़ इस धरती पर आए, हमारे लिए सताए गए, हमारे लिए बोझल क्रूस उठाया, और उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उस यीशु मसीह की हम आराधना करें जिन्होंने हमारे लिए लहू बहाया। हाथों को जोड़े, आंखें बंद रखें, खुद को प्रभु के सामने पेश करें। ये प्रभु का आलय है और यहाँ पर उनकी उपस्थिति है, यहाँ उनकी आराधना है। सभी भाई बहन इस समय खुद को परमेश्वर के सामने पेश करें। यीशु से कहिए कि यीशु, हाँ मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके घर आया हूँ, मुझे बस एक बार दर्शन दें, एक बार बस मुझे छू लें, एक बार मुझे अपने प्रेम का एहसास करने दे। प्रभु तब महिमा है न्यारी, तन मने तुझको अर्पणे यीशु, हे प्रभु दुख अपना सब कुछ सौंप दे, वो प्रभु है। प्रभु दुख हारी, उसका हम स्वागत करें। महिमा
प्रभु को आंखों के सामने पाकर सबको दंडवत करते जाए। जो जो यीशु को अपने आंखों के सामने जब देख रहे हैं वे दंडवत करते हुए आदर प्रद। प्रभु जब आपके सामने आते हैं दंडवत करते जाइए, आंखों को खोल कर रखिए, प्रभु का स्वागत करते जाइए। जैसे प्रभु को अपने सामने देखेंगे नतमस्तक होंगे, दंडवत करेंगे। जिनके पास पास में प्रभु आ रहे हैं वॉलंटियर्स भी घुटने टेकते जाएंगे जैसे प्रभु आता है। पावन हृदय में यीशु सदा जगह तुम देना, अपने पावन हृदय में यीशु सदा जगह तुम देना, अपने पावन हृदय में यीशु सदा जगह तुम देना। दिखाते रहना मुझ पर तेरा कृपा, हमेशा राह दिखाते रहना मुझ पर करना कृपा, हमेशा राह दिखाते रहना। प्रभु तव महिमा हे न्यारी, प्रभु तेरे न्यारे, प्रभु तव महिमा हे न्यारे, प्रभु तव महिमा हे न्यारे। तन मन तुझको अर्पण यीशु हे प्रभु दुख हारे, तन मन तुझको अर्पण यीशु हे प्रभु दुख हारे, तन मन तुझको अर्पण यीशु हे प्रभु दुख हारे। अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाइए, यीशु का नाम लेकर स्तुति करें, हालेलुया। अपने हाथों को जोड़िए, अपने हाथों को जोड़िए, अपने हाथों को जोड़िए, घुटने टेकिए, सिर झुकाइए और एक बार प्रभु का आदर करें। प्रभु की ओर देखिए, अपने विश्वास को प्रकट कीजिए, अपने दाएं हाथ उठाकर बोलिए, यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो,
मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप ईश्वर का परम प्रिय पुत्र है, ईश्वर के परम प्रिय पुत्र है, मेरा मुक्ति दाता है, मेरा मुक्ति दाता है, मेरे लिए आपने, मेरे लिए आपने अपना जीवन अर्पित किया, अपना जीवन अर्पित किया, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपको प्यार करता हूँ, आपको प्यार करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, हालेलुया, 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 हाथों को जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु यीशु, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, हे प्रभु यीशु, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, आपके प्यार पर भरोसा रखता हूँ, आपके प्यार पर भरोसा रखता हूँ, पापियों के प्रति आपकी दया पर भरोसा रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, मेरी भरोसा बढ़ाइए, मैं आपको प्यार करता हूँ, मेरे प्यार को बढ़ाइए, हे अब्बा पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, सभी चिंताओं को, सभी चिंताओं को, हे प्यारे अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा, मैं आप पर छोड़ देता हूँ, मैं आप पर छोड़ देता हूँ, आप मेरी स्तुति लेंगे, आप मेरी स्तुति लेंगे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आपको विश्वास करता हूँ, मेरा शरीर, मेरा शरीर आपका मंदिर है, आपका मंदिर है, मैं आपके लिए, मैं आपके लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ, वायदे के अनुसार, यीशु के वायदे के अनुसार, यीशु के वायदे के अनुसार, मुझ में आइए, मुझ में आइए, मुझे संचालित कीजिए, मुझे संचालित कीजिए, ईश्वर की बातें सिखाइए, ईश्वर की बातें सिखाइए, धार्मिकता की बातें सिखाइए, धार्मिकता की बातें सिखाइए, स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की ओर सफर करना सिखाइए, सिखाइए, हालेलुया, 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 दोनों हाथों को उठाइए और बोलिए, हे प्रभु ईश्वर, प्रिय ईश्वर, ईश्वर, मैं अपने आप को, मैं अपने आप को, शरीर मन आत्मा को, शरीर आत्मा को, मेरे परिवार को, मेरे परिवार को, सारे संगठनों को, सारे संगठनों को, शरीर की बीमारियों को, शरीर के बीमारियों को समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ, हालेलुया, 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 मेरा ये समर्पण, मेरा ये समर्पण आपको प्रिय लगे, आपको प्रिय लगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्रतम हृदय में, आपके पवित्र हृदय में, आपके चिदय हृदय में, आपके चिदय हृदय में, मैं अपने रोगों को, मैं अपने रोगों को, सारी कमजोरियों को, सारी कमजोरियों को, पाप की आदतों को, पाप की आदतों को, सारी बुरी आदतों को, सारे संगठों को, सारे संगठों को समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ, हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु,
आपके छिदे हृदय से, आपकी छिदे हृदय से बह निकले रक्त और जल की, रक्त और जल की आनंद योग्यता, आनंद योग्यता मुझको मुक्ति प्रदान करे, मुझको अपने पाप से मुक्ति, पाप से मुक्ति बीमारी से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति मुझको प्रदान करे, मुझको प्रदान कर क्रूस उठाने की शक्ति, क्रूस उठाने की शक्ति सहन शक्ति, सहन शक्ति मुझको दे, मुझको दे जिससे मैं, जिससे मैं निराशा से बचे रहूं, निराशा से बचे रहूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की महिमा प्रकट होने दे, यीशु की महिमा प्रकट होने दे, प्रभु यीशु के वचन की महिमा, प्रभु यीशु की वचन की महिमा प्रकट होने दे, प्रकट होने दे। यीशु के लहू की महिमा, यीशु की लहू की महिमा प्रकट होने दे, वेदी पर उपस्थित प्रभु यीशु के परम पवित्र शरीर की, शरीर की आनंद महिमा, आनंद महिमा हमारे बीच में, हमारे बीच में चंगाई के रूप में, चंगाई के रूप में चमत्कार के रूप में, चमत्कार के रूप में प्रकट होने दे, प्रकट होने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ उठाकर स्तुति करे, हाथ उठाकर स्तुति करे, प्रभु की आराधना करे, प्रभु की आराधना करे। स्तुति 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 Children, Lord. टुकड़ा प्रभु के सामने रोई, तुझको अर्पण यीशु हे प्रभु तुम्हारे, मैंने तुझको अपने हाथों को जोड़िए, अपना सिर झुका कर और एक बार समर्पित कीजिए प्रभु के सामने दुखों को। मैंने तुझको अर्पण यीशु हे प्रभु तुम्हारे, अपने हाथ जोड़कर सिर झुकाइए, प्रभु दुख हारी।
प्यार से अपने जगह में बैठे रहिए, बैठ जाइए। सभी लोग अपने जगह में बैठ जाइए। अपने जगह में बैठते जाइए। बैठ जाइए सभी भाई बहन, बैठते जाइए। अपने जगह में प्यार से बैठ जाइए। प्रभु तव महिमा हे न्यारी, प्रभु तव महिमा हे न्यारी, प्रभु तव महिमा होवे यहाँ। प्रभु तव महिमा, ताली बजाइए। प्रभु तव महिमा होवे यहाँ, यीशु की महिमा होवे यहाँ, यीशु की महिमा होवे यहाँ, प्रभु तव महिमा होने दे, 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 यीशु की महिमा होने दे, यीशु की महिमा होने दे, प्रभु की महिमा होने दे, प्रभु की महिमा होने दे, जीवन नया बनने दे, खुल जावे, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, महिमा हो, हाथों को उठाएंगे। महिमा हो, यीशु की जय, 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 यीशु की
की जय। गाइए कहते जाइए सभी को गाइए प्रभु यीशु की महिमा आज प्रकट होने दे। यीशु प्रभु के नाम की महिमा रोग दे समाधान केंदे எல்லா சொஸ்தகளும் மார்கள் கட்டே சுபலல்லா மல்ஹெரியா பை தி பவர் ஆஃப் ஓர்டினேஷன் கேன் ஃபேட் அபான் மீ ஷேரிங் தட் சேம் பவர் வித் ஆர்ச்பிஷப் ஜான் அண்ட் ஆல் தி ஃபாதர்ஸ் பிரசன்ட் ஹியர் ஐ ரெப்யூட் யூ ஈவில் பவர்ஸ் ஆஃப் டார்க்னஸ் ஆல் தட் இஸ் அகைன்ஸ்ட் தி லார்ட் ஆல் தட் இஸ் நாட் டிவைன் ஆல் தட் இஸ் நாட் ஃப்ரம் தி லார்ட் ஆல் தட் இஸ் நாட் செலஸ்டை ஆல் தட் இஸ் நாட் ஃப்ரம் தி லார்ட் ரைட் நவ பிரேக் யூ பீ கோட் பீ அவே ஃப்ரம் அஸ் We belong to the Lord. We belong to the Lord. In the name of Jesus, I claim miracles, mighty healing, deliverance. Mahima Prabhu ki prakat hone de. Bandhanam ayyathe. Kettugalellam pottathe. Abhishekam nirayathe. Samadhanam nirayathe. Santosham nirayathe. Shivalella. Malhariya. 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 Shivalella. हाथों को जोड़िए यीशु तेरी जय यीशु तेरी जय जोर से ताली बजाकर प्रभु की आराधना कीजिए महिमा होने दे महिमा प्रकट होने दे रोगी चंगा होने दे दुखियों को दिलासा मिले महिमा महिमा प्रभु की महिमा पावर हीलिंग एंड डिलीवरेंस शरीर मंदिर है मंदिर में महिमा प्रकट होने दे रोगियों को चंगाई मिले महिमा समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ प्रभु की महिमा गाओ स्तोत्र सैताली से एक योग्यता महिमा प्रकट होने दे समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ प्रभु की स्तुति होने दे प्रभु हमारी ये स्तुति आपको प्रिय लगे हमारी ये स्तुति आपको प्रिय लगे क्योंकि मैं प्रभु को आनंद का स्रोत मानता हूँ प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है Jesus, we love you. Increase our love for you. Amen. अपने दोनों हाथों को और एक बार उठाइए अपने पापों को स्वीकार कीजिए अपने सारे पापों के लिए पछतावा करते हुए और एक बार बोलिए पछतावे की विनती हे मेरे ईश्वर मैं जैसे उदास हूँ कि मैंने तेरे असीम भलाई और बड़ाई का अपराध किया मैं अपने सब पापों से परखन और ढीक होती हूँ इसलिए भी तुम्हें मेरे ईश्वर जो मेरे पूरे प्रेम के लिए योग्य है मेरे पापों से नाराज हो जाता है और मैं यह निश्चय कर करती हूँ कि तेरे पवित्र कृपा से और पाप की जोखिम मुझसे दूर रहूंगी आमेन 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 हाथों को जोड़कर घुटने टेके और एक बार जो लोग हमको दुख दिया उनको क्षमा देते हुए प्रार्थना करें जितने लोगों ने हमको दुख दिया जिनके द्वारा हमको पीड़ा हुई है जो हमारे खिलाफ है हमको शत्रु मानते हैं हमारे खिलाफ मुकदमा चलाते हैं और हमारे परिवार में अशांति पैदा करते हैं नशेबाजी के द्वारा अशांति पैदा करते हैं और हमारे ऊपर क्रोध करते हैं जितने लोगों ने हमको धोखा दिया हमें पाप में गिराया जितने लोगों के कारण हमको कष्ट झेलना पड़ रहा है पड़ा था
और जो लोग आज भी हमसे बात नहीं करते हैं, शत्रु है, परिवार के खिलाफ है, हमको धोखा देते हुए शायद काफ़ी चीज़ें छीन लिया है, उनके कारण हमको काफ़ी नुकसान हुआ है, यीशु के नाम पर आज हम उन्हें क्षमा दे और दोनों हाथों को फैला दे। और मेरे साथ बोले, हे प्रभु यीशु, आपने कहा है यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी कहना मानोगे। आपने कहा है मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हे प्रभु यीशु, आपके कहने के अनुसार मैं सभी लोगों को दिल से क्षमा देना चाहता हूँ। हे प्रभु, सभी लोगों को, विशेषकर मेरे अपने घर के हैं, मेरे अपने हैं, लेकिन मुझको तिरस्कार किया, दुख दिया, उन सभी लोगों को मैं क्षमा देता हूँ। आपके नाम पर क्षमा देता हूँ, आपके वचन के कारण क्षमा देता हूँ, आपके समान क्षमा देता हूँ। आपने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हम भी क्षमा देते हैं, हम भी क्षमा करते हैं, आपकी क्षमा मांगते हैं। मैंने जितने लोगों को दुख दिया, माता पिता को, भाई बहनों को, पड़ोसियों को, सगे संबंधियों को, दोस्त मित्रों को, मेरे कारण जो दुख मिला है, मैं उनके लिए क्षमा चाहता हूँ, आपकी आशीष मांगता हूँ, आपके लहू की योग्यता मांगता हूँ, मुझे धो दे, पापों को क्षमा कर दे, मुझे पवित्र कर दे। हालेलुया। हाथों को जोड़िए, माँ मरियम की मध्यस्थता मांगे। जैसी अंतिम प्रार्थना में हम प्रवेश कर रहे हैं, माँ हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करे जिससे हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को पावे। प्रणाम मरिया, इस साधना में अनेक युवक युवतियाँ अपने समर्पण प्रभु के सामने रखते हुए काफ़ी दिनों से प्रभु की सेवा करते हुए अपना समय बिताया, उन सभी लोगों के लिए आज हम सभी लोग विशेषकर प्रार्थना करें कि इन्होंने ये साधना के लिए, इस आध्यात्मिक अधिवेशन के लिए जो कुछ किया उसके कारण प्रभु उनका आदर करे। क्योंकि यीशु ने अपने वचन में कहा, यदि कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उनको सम्मान प्रदान करेगा। एनीवन हु सर्व्स मी माय फादर विल ऑनर देम। पिता इस समय उनका आदर करेंगे। यीशु के नाम पर हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे बीच में जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं। वॉलंटियर्स कृपया खड़े हो जाइए प्रभु के सामने। जो भी वॉलंटियर्स है, जो आगे सामने है, वे इस समय लाइन में खड़े रहेंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप लोग जो है घुटने टेकते हुए इनके लिए प्रार्थना करना, इन प्रिय भाई बहनों को आध्यात्मिक वरदान मिले, कृपाएं मिले। इस समय वेदी पर जितने वॉलंटियर्स हैं उनके लिए भी आप लोग प्रार्थना करेंगे, वे भी खड़े हो जाएंगे। आपके लिए भी हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। सभी पुरोहितगण इस समय इन वॉलंटियर्स के ऊपर प्रार्थना करेंगे। ध्यान से सुनना, आपके ऊपर प्रार्थना करने जा रहे हम लोग। बाकी सभी लोगों के लिए हम लोग हाथ रख कर सर पर हाथ रख कर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इन वॉलंटियर्स के लिए सभी पुरोहित आकर प्रार्थना करने जा रहे हैं, जिससे आपने जो सेवा यहाँ पर की है वो सेवा आने वाले दिनों में बढ़ते जाएं। अब पाप में प्रभु के नाम पर पाप से बाहर आए और पाप को त्याग कर पवित्रता की साक्षी बनकर
आपके द्वारा अनेक लोगों को प्रभु के पास लेके आ सके, क्योंकि इन दिनों में प्रभु के नाम पर खड़े हुए हैं रास्ते में, सड़क पर और मैदान पर और इस पंडाल के अंदर यीशु के नाम पर सेवा की है। ये सेवा केवल चार दिन की नहीं है, केवल एक महीने की नहीं है, बल्कि जीवन भर की सेवा हो। जहाँ कहीं भी हुआ प्रभु की सेवा बने, बाइबल कहता है तुम मेरी साक्षी हो। इसलिए पवित्रता की साक्षी बने, धार्मिकता की साक्षी बने। जहाँ पर पाप की नदी इतनी भयानक तीव्रता के साथ गति लेकर बह रही है, धार्मिकता की गति को, धार्मिकता की रफ्तार को बढ़ाने वाले बने, इसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप लोग आमने सामने देखकर खड़े हो जाएंगे, आप लोग इधर को, आप लोग इधर को। जब आपके ऊपर प्रार्थना हो जाएंगे उसके तुरंत बाद आप लोग घुटने टेकेंगे। जब तक प्रार्थना नहीं होगी तब तक आप लोग खड़े रहेंगे, प्रार्थना होने के बाद आप लोग घुटने टेकते जाएंगे। इस समय आशीर्वाद की सुप्रार्थना, भाई बहनों जो लोग घुटने टेके हुए हैं इनके ऊपर हाथों को उठाइए। ये समर्पित बने प्रभु के लिए, प्रभु के कारण वे लोग धार्मिकता की साक्षी बने। वेदी पर जितने भी भाई बहन खड़े हैं बिशप स्वामी उनके ऊपर हाथ रखकर एक आशीर्वाद दे रहे हैं। बाकी सभी पुरोहितों से आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द फादर्स नाउ गो एंड जस्ट ब्लेस, जस्ट मेक ए स्मॉल प्रेयर ओवर दीज चिल्ड्रन हु आर स्टैंडिंग। जब आपके ऊपर प्रार्थना होंगे कोई भी एक पुरोहित हाथ रखा तुरंत घुटने टेकेंगे, फिर खड़े नहीं रहेंगे। आप घुटने टेकते समय वेदी की ओर मुड़कर घुटने टेकेंगे, अभी खड़े रहेंगे जब तक प्रार्थना हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद वेदी की ओर देखकर घुटने टेक सकते हैं। तब तक खड़े रहेंगे आप, एक पुरोहित प्रार्थना करेंगे तब उसके तुरंत बाद आप घुटने टेकेंगे। आप इस समय वेदी पर जितने भी लोग हैं उनके ऊपर बिशप स्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के तुरंत बाद आप घुटने टेकते जाएंगे, तुरंत प्रार्थना के तुरंत बाद घुटने टेकते जाएंगे। बाकी लोग एक बार जो स्तुति करते हुए इस समय अपनी प्रार्थनाएं प्रभु की ओर उठाए। इन युवक युवतियाँ अपने जीवन प्रभु के लिए इन दिनों दिया, इनका समर्पण प्रभु को प्रिय लगे, छन्न चमत्कार प्रकट हो, ये रोगी चंगे होने दे। इनमें जितने लोगों में रोग है वे चंगे होने दे, स्तुति करते जाइए। पुरोहित जल्दी जल्दी प्रार्थना करते जाएंगे, एक पल के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के बाद केवल घुटने टेकेंगे, प्रार्थना के बाद केवल घुटने टेकेंगे, प्रार्थना। स्तुति 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 स्तुति। इन पर प्रभु की महिमा प्रकट होने दे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति 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 ताली बजाएंगे, ताली बजाकर की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इन दिनों जितने लोग यहाँ पर वेदी से सेवा कर रहे थे आप देखते होंगे यहाँ पर काफी बहनें भाई लोग सेवा के लिए अपना जीवन अपना समय प्रभु के लिए दे रहे हैं।
इनके लिए हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे, इनकी इनकी सेवा प्रभु को प्रिय लगे, पाप से बचे रहे, विपत्ति दुर्घटना से बचे रहे। आप अपना दाहिने हाथ इनकी ओर उठाए। इनमें हमारे प्रियजन अनेक हैं और एक पति पत्नी है हमारे प्रिया फ्रांसिस और शांति दीदी, जो अपना जीवन पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित किए हुए हैं और समर्पण का जीवन बिता रहे हैं, अलग अलग जगह में प्रभु का सुसमाचार सुना रहे हैं। और इन सभी लोगों के लिए हम विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। साथ में हैं हमारे डेनी भैया यहाँ पर, जो प्रभु की सेवा करते हुए उत्साह के साथ चल रहे हैं। और हमारे राफी भैया है यहाँ पर, जो प्रभु के लिए सेवा कर रहे हैं। और हमारे बहनें भाई लोग जितने भी हैं, इनके लिए हम लोग प्रार्थना करें। दीदी विक्टोरिया आगे आ सकती हैं, आपके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। वेदी पर आ जाइए। हम उन सभी लोगों का जो भी प्रभु की सेवा करते हैं, धन के द्वारा, समय के द्वारा और अपनी खूबियों के द्वारा, अब सभी लोग प्रार्थना करें, जिससे हम लोग अपने छोटे से इस जीवन काल में प्रभु की महिमा को बढ़ाए। क्योंकि समय बहुत कम है, प्रभु के लिए काम करने का समय बहुत कम है। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब कोई काम नहीं कर पाएगा। अब जब समय मिला है, हम लोग प्रभु की साक्षी बने, प्रभु का काम करें। हम इस समय स्तुति करते जाएंगे। जब बिशप स्वामी जी से मैं अनुरोध करूंगा, इन सभी सेवकों के लिए भी प्रार्थना करते जाए। आप सामने आए, घुटने टेक कर आशीर्वाद मांगे। सामने आए, बिशप स्वामी जी इनको ब्लस कर रहे हैं। आप लोग एक बार स्तुति करें। हालेलुया, स्तुति करें। डॉक्टर बलविंदर सिंह और विंसेंट अंगल, सब आशीषित हो जाइए। आगे आकर ब्लेसिंग मांगे। स्तुति 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 स्तुति। महिमा प्रकट होने दे, महिमा प्रकट होने दे, इन पर प्रभु की महिमा प्रकट होने दे। रोगों से चंगाई मांग, महिमा प्रकट होने दे। हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। Reverend sisters who have been working there very hard, come on, get a blessing here right now. Stuti 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 stuti. Hallelujah 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 hallelujah. Taali bajakar gaaye. Stuti aradhana upar jaati hai, aashish li tere niche aati hai. Stuti aradhana upar jaati hai, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना उठा। हालेलुया हाथ जोड़िए। लॉर्ड, जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हम विशेष रूप से हमारे सभी पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें। ऑल द रेवरेंट सिस्टर्स प्लीज कीप स्टैंडिंग, वी प्रे फॉर यू। आप लोग थोड़ी और देर घुटने टेक कर प्रार्थना करना, सिस्टर लोगों के लिए और हम पुरोहित गणों के लिए आप लोग प्रार्थना करना। हालेलुया। बिशप स्वामी जी के लिए प्रार्थना करना। हम सभी पुरोहित और धर्म बहने हमारे समर्पण के अनुसार हम लोग जीवन बिता पावे। हालेलुया। आप जानते हैं हर युद्ध में जो आगे अगुवाई देता है, लीडर जो है, शत्रु पहले अपनी आंखें उन पर गढ़ाता है, जिससे उसको गिराने से युद्ध वो जीत सकता है। इसलिए आध्यात्मिक युद्ध में हम लोग जो पुरोहित
धर्माधीश पुरोहित धर्म बहने ये सब सेवा कार्य में आगे आगे जाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा आक्रमण पड़ते हैं, शत्रु उन पर बहुत ज़्यादा आक्रमण करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आपको जब एक प्रलोभन एक परीक्षा होती है, हम पुरोहितों को कम से कम 10 या 100 परीक्षा होती है। एक दुष्टात्मा आपके पर आक्रमण करते हैं, कम से कम 10 या 100 हम पर आक्रमण करते हैं। आध्यात्मिक युद्ध में हमेशा लीडर लोग जो अगुवाई देते हैं उनको ज़्यादा सहना पड़ता है। इसलिए प्रियजनों, पुरोहित, अनेक पुरोहितों के बारे में शायद आप कुछ गलत बातें सुनते हैं, अनेक धर्म बहनों के कुछ आचरण आपको अच्छा नहीं लगते हैं, इसलिए भुनभुनाते होंगे, गुस्सा करते होंगे, अनेक पुरोहितों से आपको दुख मिला होगा, अनेक धर्म बहनों के आचरण आपको चोट पहुंचाई होगी, जिसके चलते आप में कई लोग नाराज है, कलीसिया से नाराज है, आप में कई लोग प्रार्थना करना बंद किया है, चर्च गिरजा जाना बंद किया है, क्योंकि पुरोहितों का आचरण आपके लिए एक ऐसे कारण बनी जिसके चलते आप प्रभु से दूर हो गए। हम सभी पुरोहितों के सारी कमजोरियों के लिए, जिन पुरोहित धर्म बहनों के द्वारा आपको जो भी दुख मिला उसके लिए हम पुरोहितगण आपसे माफी चाहते हैं। बिशप जी के साथ हम आपसे माफी चाहते हैं, क्षमा करना, हम भी मनुष्य है, हमारे ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, हमें आपकी प्रार्थना की जरूरत है, आपकी सहायता की जरूरत है। हमारे ऊपर दोष लगाने के पहले हमारे लिए एक बार प्रार्थना करना, क्योंकि हमारे ऊपर भी आक्रमण हो रहे हैं। प्रियजनों, पुरोहित लोगों की दुर्बलताओं को आप गुस्सा के साथ नहीं बल्कि अनुकंपा एवं दया के साथ देखना और हमारे लिए प्रार्थना करना, आपके पुरोहितों के लिए हर रोज प्रार्थना करना, आपके धर्माधीश के लिए प्रार्थना करना। इस समय हमारे प्रिय धर्माधीश जोसेफाइन को भी हम याद करते हैं जो बीमार चल रहे हैं, हमारे प्रिय रवरन फादर अंद्रयास को हम याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना। इस सेवा कार्य के पीछे उनका योगदान इतना ज़्यादा है कि हम उसके लिए धन्यवाद अदा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ही इस सारी सेवा कार्य को संभाल रखा और इन दिनों में उसके पीछे काफ़ी समय दिया, उनके काफ़ी दिमाग लगाए, काफ़ी खूबियाँ उनकी इस सेवा कार्य में लगे। फादर अंद्रयास के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, बोलिए हे प्रभु आपको धन्यवाद। जितने पुरोहितगण इस समय सेवा में हैं और आपके सामने खड़े हैं, नीचे खड़े हैं, इन धर्म बहनों के लिए हम पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना, अपने हाथों को उठाए रखना और एक बार हमारे लिए प्रार्थना करना, जबकि हम आशीषित होवे, प्रभु के नाम पर हम प्रभु की महिमा का बखान करने वाले बने, धार्मिकता को हम लोग प्रचार कर सके, धार्मिकता की साक्षी बने। एक बार हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, माँ मरियम की मध्यस्थता मांगिए, एक बार स्तुति कीजिए, हालेलुया, जबकि हम मांगते हैं। सभी पुरोहितों धर्म बहनों के लिए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जितने सेवक गण यहाँ पर थे वे एक और बार खड़े हो जाइए, इन सभी लोगों का भी हम एक और बार आदर करें। विशेषकर हमारे बीच में जितने भाई बहन इन दिनों बहुत दौड़ा दौड़ी किया, जैसा कि हमारे इस कार्य में विंसेंट अंकल और हमारे जीवन भाई और जर्नल और हमारे हमारे उनको हमारे राफेल भैया और हमारे अजीत सर, इतने अनेक भाई बहन हम पर है जो काफ़ी समय लगाया, इनके लिए सब प्रभु के नाम पर हम धन्यवाद देते हैं। परम प्रसाद के साथ में और सिस्टर लोग यहाँ पर, हमारे आश्रम के अपने सिस्टर लोग और जितने बाहर से आए हुए सिस्टर, सिस्टर एंजल जैसे और अन्य काफ़ी लोग हैं, इसका पूरा नाम लेने से हम लोग समय की कमी के कारण नाम नहीं ले पा रहा हूँ, फिर भी आप सभी लोगों के प्रति हमारा प्यार है। आप सभी लोग यदि आकर आशीषित हो रहे हैं, अनेक लोग चंगे हो रहे हैं, इसके पीछे इनकी मेहनत है, हम प्रभु के नाम पर धन्यवाद देते हैं। बोलना, हे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। माँ मरियम की मध्यस्थता मांगे, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम भाभियों के लिए,
आप और हमारे मरने के समय, आमीन। सबको इस समय खड़े हो जाइए। अंतिम प्रार्थना के पहले मैं इस समय आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, खड़े होकर ध्यान से सुनिए। आपके बीच में ऐसे कितने लोग हैं जो विधिवत बपतिस्मा वगैरह कैथोलिक कलीसिया में नहीं ली है, लेकिन ख्रिस्त भक्त है, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। आप कैथोलिक नहीं बने हैं या क्रिश्चियन नहीं बने हैं, लेकिन जीसस पर विश्वास किया जिसके चलते आए हैं। आपके लिए हम एक स्पेशल प्रार्थना करना चाहते हैं जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। जीसस के पास आने के कारण आप खाली हाथ यहाँ से ना लौटे, इसलिए उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं। वे अपना हाथों को उठाए रखेंगे, वे लोग जो आपके बीच में, जो लोग अन्य धर्म से है, शायद अभी तक स्नान नहीं लिया, बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन आप जीसस पर विश्वास करते हुए आया, वे अपने हाथों को उठाए रखेंगे। जरा हिलाएंगे हाथों को, हिलाएंगे हाथों को उठाए रखेंगे। उनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बाकी सभी लोग इस समय हाथों को उठाए, और इन प्रिय भाई बहनों के लिए विश्वासियों की संख्या बढ़ने दे, इनका विश्वास गहरा होने दे, जिसके चलते आध्यात्मिक वरदान, पवित्र आत्मा का अभिषेक और जीवन में पाप क्षमा और परिवार में उन्नति और आशीर्वाद इनको मिले। यीशु के नाम पर हम मांगते हैं, स्तुति करें, हालेलुया। सभी 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 ख्रिस्त भक्तों के लिए, हमारे बीच में अन्य धर्म के सभी भाई बहनों के लिए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वी ब्लेस यू, माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी ब्लेस यू, आमेन। स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया। हाथ जोड़कर मांगे मां मरियम की मध्यस्थता, जिससे अनेक लोग जीसस के नाम पे विश्वास करते हुए पाप क्षमा पाए, जीवन में नवीनीकरण, परिवार में उन्नति, आशीर्वाद, बीमारी से छुटकारा मांगे। प्रणाम मरिया, हमारे बीच में ऐसे कई लोग हैं जो बीमार है, वे जरा हाथ उठाएंगे। शरीर में बीमार लोग, ऑल द सिक पीपल प्लीज लिफ्ट योर हैंड, शो योर हैंड, बोलिए हे प्रभु हम बीमार है, हे प्रभु हम बीमार है, हमारी हालत को देखिए, हालत को देखिए, हमारे पास आइए, पापों को क्षमा कीजिए, हालेलुया। हाथों को जोड़िए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको बुरे सपना देखता है, बार बार मिलता है, नींद पूरा नहीं होता है, रात में डरावनी सपना होती है, भूत दिखाई देता है, अंधकार में कुछ चीज दिखाई देता है, कोई कोई पीछा कर रहा है, इस तरह अनुभव होता है। इस तरह जिन जिन लोगों को डर होता है, उत्कंठा होती है, रात में नींद टूट जाती है, हाथ उठाकर हिलाकर दिखाइए। वे अनेक लोगों को ऐसी तकलीफें होती है, इस समय प्रभु की दया मांगे। दोनों हाथों को सभी लोग उठाए और बोले हे प्रभु, हे प्रभु, आपने कहा, आपने कहा, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ, हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, सारा डर मुझे छोड़कर चले जाए, जिससे मैं निर्भीकता से धैर्य के साथ प्रभु की सेवा करूं, प्रभु की सेवा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को जोड़िए। कितने लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं, जिनके परिवार में, कितने लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में, जिनके परिवार में, जिनके परिवार में कुछ लोग हैं बहुत बीमार है और नशा ले रहे हैं और नशा छोड़ नहीं पा रहे हैं। घर में कितने लोग जो है नशा लेता है, नशे की तकलीफ में पड़े हुए हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, दोनों हाथों को उठाए। अनेक लोग हैं जिनके परिवार में नशा है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे प्रभु, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, हमारी प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना है, हमारे घर वालों को बचा, हमारे घर वालों को बचा, जिनके तकलीफ में, जिनके तकलीफ में, हे प्रभु, हे प्रभु, अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा, एक शब्द कह दे, एक शब्द कह दे, मेरे प्रिय जन, मेरे प्रिय जन, चंगे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, हालेलुया।
अपने हाथों को जोड़िए। कितने लोग अपने परिवार में नौकरी की कमी, पैसा की कमी है और गरीबी है, अच्छा नौकरी ढूंढ रहे हैं और कर्ज है, काफ़ी पैसा चुकाने को बाकी है, घर बनाना चाहता है और नहीं हो रहा है और पैसा की कमी के कारण काफ़ी काम रुका हुआ है, ऐसा कितने लोग है, दोनों हिदाय हाथ उठा कर रखिए और मेरे साथ बोले हे प्रभु, हे प्रभु आप इसलिए गरीब रहे जिससे आपकी गरीबी द्वारा हम धनी बन जाए। गरीबी की आत्मा यीशु के नाम पर हमारे परिवार को छोड़ दे। हालेलुया। उन्नति मांगते हैं, वचन की शक्ति मांगते हैं, सामर्थ्य मांगते हैं। हम यीशु के साथ धनी है, गरीब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को जोड़िए। इतने लोग, किसी ने मुकदमा चलाया आपके विरुद्ध, मुकदमा हो रहे हैं, कोई आपका जमीन जबरदस्ती हड़प लिया, कोई सामान आपका ले लिया वापस नहीं दे रहे, पैसा उधार लिया वापस नहीं दे रहे, ऐसा कितने लोग तकलीफ में हैं, जरा हाथ उठाइए। अपने हाथों को जोड़िए, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घर के सारे संकटों को इस समय प्रभु के चरणों पर रखे, बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और अंतिम प्रार्थना में प्रवेश करने के पहले हम उन सारे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो इन दिनों हमारे लिए भोजन बना रहे हैं और बहुत कष्ट में पूरे दिन वहाँ पर खेत में रहकर दिन रात काम कर रहे हैं, उनके लिए अपना दाएं हाथ जरा उठाइए और उनके लिए प्रार्थना करें। भोजन बनाने वाले सभी लोगों के लिए इन दिनों भोजन की व्यवस्था हमारे लिए फ्री कर दिया, उसके पीछे जो भाई काम किया है, जो भाई ने हाथ बढ़ाया है, जिनको प्रभु ने समय पर यहाँ पर भेजा था, जो जी भाई के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। साथ में जितने लोग यहाँ पर भोजन के लिए पीछे पड़े हुए हैं, उनकी व्यवस्था में भाग ले रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए, हमारे विंसन नंगल के लिए, CFC के सभी टीम मेंबर्स के लिए, साथ में जितने वॉलंटियर्स वहाँ पर है, उन सारे लोगों के लिए, भोजन बनाने वाले परोसने वाले सबों के लिए ईश्वर की दया मांगते हैं, वे आशीषित रहे। घर में हमें भोजन देने वाले, भोजन परोसने वाले, हमारे प्रिय मम्मा ता पिता कोई भी हो जो अब तक हमारे लिए भोजन परोसा, उनको भी हम याद करते हैं। कभी कभी हम ऐसे कृतघ्न रह जाते हैं, धन्यवाद नहीं देते हैं। भोजन इतने कष्ट में बनाया जाता है, उसके पीछे काफ़ी मेहनत है, उनके पीछे बड़ी सेवा है, उनके पीछे कई लोगों का कष्ट और त्याग है, लेकिन हम याद नहीं करते हैं भोजन करते समय। प्रभु धन्यवाद के साथ भोजन करने की कृपा मांगते हैं, बोलिए आमीन। जितने लोगों ने भोजन बनाया वे आशीषित रहे। यहाँ पर प्रभु ने कहा जब मेरे शिष्य होने के कारण एक ग्लास पानी भी मेरे शिष्य होने के कारण किसी को तुम पिलाओगे, ये तुम प्रतिफल से वंचित नहीं रहोगे, मैं तुमसे कहता हूँ। इसलिए प्रभु आपके शिष्यों को, आपके सेवक सेविकाओं को, यहाँ पर भोजन परोसने वाले, भोजन बनाने वाले सभी प्रिय भाई बहन आशीषित रहे, उनके घर को आशीर्वाद मिले, रोगों से चंगाई मिले, नशे से छुटकारा मिले, जीवन में दुखों से मुक्ति मिले, प्रभु के नाम पर मांगते हैं, बोलिए आमेन। हाथों को जोड़िए हालेलुया। तकलीफ में है उनके लिए प्रार्थना कीजिए। 5 जरूरतें प्रभु के सामने रखिए। आप किसी के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं, घर में कोई तकलीफ है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे शख्स के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जिनके द्वारा आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या घर की कोई उन्नति की बातें प्रभु के सामने रखना चाहता है, किसी की पढ़ाई के लिए आशीर्वाद मांगना चाहता है, शादी में रुकावट हो रही है या बच्चा नहीं हो रहे हैं, या अपने प्रिय संतान बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, इस समय प्रभु के सामने रखिए। और अंतिम आशीष पाने के पहले आंखों को जरा खोलिए, यहाँ देखिए, बोलिए हालेलुया। आशीर्वाद पाने के लिए इन बातों को याद रखना जरूरी है। पहली बात पवित्रता की, क्योंकि जो पाप छिपाता है कभी उन्नति नहीं करेगा, कोई भी हो। पापों को छोड़िए, हर एक तकलीफ में सबसे पहले पछतावा करना है, अच्छा पाप स्वीकार करना है। दूसरी बात क्षमा देने की बात, दूसरों पर दया जब तक नहीं करेंगे आप पर दया नहीं की जाएगी। यदि किसी भाई बहन के साथ नफरत है, पूर्ण रूप से क्षमा किए बगैर आप आशीर्वाद प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि वचन कहता है
जो घृणा करता है वो हत्यारा है, अनंत जीवन कभी नहीं है उस पे प्रभु काम नहीं करेगा। इसलिए दया कीजिए, शायद आपके परिवार में कोई बहुत नशा करता है, आपको मालूम होना चाहिए बीमारी है, बीमार लोगों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए बल्कि दया करनी चाहिए। इसलिए वो बीमारी पर दया करनी चाहिए। जो एक पैरालाइज आदमी है, हम गुस्सा करके नहीं बोलेगा कल तुम उठकर खड़े नहीं होगा तो मैं घर से निकाल दूंगा, अब नहीं बोलेंगे। इसी तरह नशा पैरालाइज कर देता है आदमी को, पैरालाइज कर देता है, गिरा देता है। और ऐसा है, नशेबाजी में पड़े हुए लोगों पर घृणा नहीं करना और उनके सामने ऐसे समय नहीं रखना कल तक नशा नहीं छोड़ेगा तो मैं ऐसा करूँगा, मैं छोड़कर चली जाऊँगी, इस तरह की बातें धमकी नहीं देना, दया करना, क्योंकि ईश्वर की दया से केवल वो नशा छोड़ सकेगा, आपके कहने से नहीं। इसलिए आप ईश्वर की दया मांगने के लिए आप दयालु बनिए, ईश्वर आप पर दया करेगा, आपकी प्रार्थना सुनेंगे। इसलिए नशेबाजों पर गुस्सा नहीं करना, दया करना, ये हर दिन सोचना। ये पैरालाइज आदमी की तरह मेरा प्रियजन, पापा हो, भाई हो, बीमार हो, भैया हो, जीवन साथी कोई भी हो, वो बीमार है, प्रभु इन्हें चंगा करना, मैं इन पर गुस्सा नहीं करूँगा। इसलिए दयालु बनिए, क्षमा कीजिए, उनसे नफरत ना कीजिए। दूसरी बात, तीसरी बात, आप जितने बीमार, अपने तकलीफ जो भी है, अपना संकट यीशु के संकटों के साथ मिलाना और आत्माओं के लिए प्रार्थना करना, परिवार से मरे हुए लोगों की पापों की क्षमा के लिए समर्पित करना। हर रोज आपके परिवार से जितने लोग मर गए हैं वे पाप में मर गया होगा, उनको वचन नहीं मिला, उनके समय में रिट्रीट नहीं हुई, लेकिन हमको वचन मिल रहा है, इसलिए हम उनकी आत्मा को कैसे दावा करेंगे? हमारा सारा दर्द, एक बूंद आंसू भी वेस्ट नहीं होने देना, बर्बाद नहीं होने देना, वो आंसू यीशु के दुखभोग के साथ मिलाना और समर्पित करना। बोलना, आत्माओं के लिए मेरा दर्द समर्पित करता हूँ, बिना कुटकुटाए, बिना भुनभुनाए समर्पित करना, ये प्रभु को बहुत प्रिय होता है। ये तीसरी बात। चौथी बात यही है प्रियजनों, अपने पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में अपना दुख उठाना, साथ में इसी तरह जितने लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। इसका मतलब आपके घर में कोई नशा लेता है केवल उनके लिए प्रार्थना नहीं करना, जितने परिवारों में नशे के कारण अशांति होती है 10,000 परिवार कम से कम मैं इस समय हाथों में उठाकर प्रार्थना करती हूँ, करता हूँ बोलकर प्रार्थना करना। आपको कोई बीमारी है उसी बीमारी से परेशान और 10,000 लोगों के लिए हर रोज प्रार्थना करना, अपना दर्द यीशु के दर्द के साथ, यीशु के दुख भोग के साथ मिलाना और पिता को समर्पित करना। किन के लिए? जो मेरे तरह दुख भोग रहे हैं, क्योंकि वो बाइबल में लिखा है वो स्वयं दुख भोगने के कारण दुख भोगने वालों की मदद कर सकता है। इसलिए हम लोग दुख जब भोगते हैं दुख भोगने वाले दूसरों की मदद करना चाहिए। दुखों में सेवा करने का मतलब यही है, हमारे दुखों में हमें सेवा करनी है। कैसे सेवा करना? दूसरों के लिए प्रार्थना करना, आत्माओं के लिए, आत्माओं को बचाने का काम करना। इसलिए हम केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं करना, प्रभु मेरी बीमारी दूर करो, मेरी बीमारी दूर करो, उससे अच्छा प्रार्थना ही है, अच्छी प्रार्थना ही है, मैं अपनी बीमारी को स्वीकार करती हूँ, मेरे पापों को क्षमा करना और 10,000 लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मेरी तरह बीमार है, प्रभु आपके दुख भोग के साथ मेरे दुख भोग को मैं मिला देता हूँ और पिता से प्रार्थना करता हूँ मेरे जैसे सहने वाले 10,000 लोग दुनिया भर में जितने लोग हैं उनमें कम से कम 10,000 लोगों के पापों की क्षमा के लिए मैं सह रहा हूँ और ये समर्पित करता हूँ। इस तरह प्रार्थना करना प्रभु को प्रिय है। अंत में पांचवी बात, अपने दुख संकट में धन्यवाद देना, दुख संकट में धन्यवाद की प्रार्थना करना। बोलिए हालेलुया। हमारे विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी बीमारी भी समर्पित कीजिए, संकट और जितने पांच निवेदन आपने याद किया उसको भी प्रभु के सामने समर्पित कर रहे हैं, हाथों में उठा रहे हैं। और इस अंतिम प्रार्थना में हम बिशप स्वामी जी का इस समय निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु, हम आपको आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आपके इस आक्रमण के पहले आपको आराधना करने के लिए आप हमको मौका दिया है, हम लोगों को ऐसा कृपा दें ताकि इस पवित्र आक्रमण को हम सदा सर्वदा स्तुति आराधना करने के लिए सकें और उसी की आराधना से हम लोगों को जो मांग है ये सबको आप पूरा करें। हम लोग यह प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र नाम पर, आमीन। जोर से स्तुति करे, हालेलुया, 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 हालेलुया।
हाथ उठाकर प्रभु की ओर देखिए, हाथों को उठाए रखिए, हाथों को उठाए रखिए, प्रभु की स्तुति करें, हाथों को उठाए रखिए, स्तुति 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 स्तुति, हाथों को उठाए रखिए, प्रभु की ओर देखते रहिए, आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। वॉलंटियर्स कृपया बीच में खड़े रहिए, इस समय पवित्र परम प्रसाद में यीशु आपके बीच में से होकर जा रहे हैं। प्रियजनों, हम प्रभु के साक्षी बनने का वरदान मांगिए, प्रभु के साक्षी बनने का वरदान मांगिए, पवित्रता का वरदान, पवित्रता की साक्षी बनकर अनेक लोगों को यीशु के पास लाने का वरदान मांगे। यीशु आपके पास में आ रहे हैं, आप यीशु को देखते रहेंगे और यीशु आपके पास से होकर जब जाएंगे उस समय यीशु को देखकर सिर झुकाना। उसके पहले वॉलंटियर्स उधर को देखकर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे परम प्रसाद के सामने सभी स्वयं सेवक आगे आगे बढ़ेंगे, निकलेंगे, बाहर को जाएंगे। प्रभु की ओर देखते रहिए, हाथों को उठाए रखिए। वॉलंटियर्स आगे आगे बढ़िए, पीछे से आगे जाते जाइए, आगे निकलिए, निकलते जाइए, निकल जाइए बाहर को, वॉलंटियर्स आगे बढ़ते जाइए। अगर हो रुकना नहीं जो जाना, आगे बढ़ते जाइए, यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना, आगे बढ़ते जाइए। राहों में कांती अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, प्रभु की ओर देखते रहना, ये तुम विश्वास करना, संसार के अंत के वो तेरे साथ है, संसार के अंत के आगे बढ़ते जाइए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाइए, या
प्रभु मेरे साथ है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ, मेरे प्यार को बढ़ाइए। जय यीशु, जोर से ताली बजाकर प्रभु की आराधना कीजिए।